तो भाई आज हम पहुंचे हैं मायापुरी। भाई मायापुरी में कहां पे हम पहुंचे हैं? एक बड़ा ही सिंपल सा ढाबा बन रखा है। तो 35 साल पुराना ये ढाबा है, 35 साल हो गए ना ये काम करते हुए। स्पेशलिटी है यहाँ पे मटन मिलेगा, चिकन मिलेगा और साथ में मिलेगी आपको रोस्टेड आइटम। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, बसते रहो। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खाना बदोश में। यह है दीपक, मैं हूँ यतिन। आज हम पहुंचे हैं मायापुरी। भाई मायापुरी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे CNG पेट्रोल पंप है, उसके साथ ही ना एक बड़ी मशहूर दुकान है। 1987 से मटन बना रहे हैं और मटन के लिए अपने बड़ा मशहूर है। यहाँ पे मिलता है कीमे वाला मीट, कीमा कलेजी, चिकन करी, साथ में कुछ इनके मिलती हैं रोस्टेड आइटम जैसे मटन बर्रा हो गया, लीवर दाना हो गया। वो इन्होंने भी रिसेंटली स्टार्ट करी है। स्पेशलिटी जो है ना इनकी वो है मटन में। तो भाई आज हम पहुँचे हैं प्रीतम मीट वाले पे, चलते हैं इनके ऑनर के पास, देखते हैं कैसे ये बना रहे हैं, खाना टेस्ट करते हैं, आप लोगों तक पहुँचाते हैं कि कैसा है कैसा नहीं है। तो भाई हमारे साथ इस समय मौजूद हैं प्रीतम मीट वाले के ऑनर प्रीतम सिंह जी। सर नमस्कार, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल खाना बदोश में। सर कितना पुराना ढाबा है ये तो अभी नया है, 2 साल हो गया, पुराना 35 साल पुराना अंदर है, अंदर मायापुरी में, मायापुरी के अंदर है। वो भी सुबह शाम खुलता है? नहीं, वो 4 बजे तक होता है सिर्फ, ये रात को 11-12 बजे तक है। अच्छा 11-12 बजे तक है, मतलब ये जो बाहर जो रोड पे पड़ता है ये रात को CNG पेट्रोल पंप के साथ। तो सर कैसे शुरुआत हुई थी अपनी? हमारी पहले शुरू से अंदर शुरू हुआ थे, 5 रुपए से शुरू हुई थी मीट बेचना। मीट 5 रुपए प्लेट होती थी। अच्छा, आज जो 200-250 रुपए प्लेट है, मतलब वो जमाना कितना सस्ता था, आज कितनी महंगाई है। 20 रुपए किलो मीट होता है, 720 रुपए किलो है। और क्या क्या स्पेशलिटी अपना क्या क्या बनाते थे? मटन होता है, चिकन होता है, कीमा कलेजी होता है। शुरुआत जब करी थी तब किससे? शुरुआत तो मीट से चालू करी थी, सिर्फ मीट से। उसके बाद अपनी अभी हमारा बर्रा है, तंदूरी बर्रा है, दाने हैं, फिश होती है, तंदूरी। ये अभी स्टार्ट किया रिसेंटली, मतलब अपनी स्पेशलिटी किस में है सर? अपनी स्पेशलिटी इसी में, मीट में, मुर्गे में, कीमा कलेजी में। मीट, मुर्गा और कीमा कलेजी। हाँ जी। तो सर अपनी और ब्रांचेज हैं? मेरी 3 ब्रांच है जी। 3 ब्रांच है? नॉन वेज की 2 है, 1 वेज की है। तो तीनों एक बार बताओ, आज हम अभी जहाँ पे अभी ये हरिनगर का एरिया है। ये हरिनगर का एरिया है, आप यूट्यूब पे डालोगे हरिनगर डालोगे तो यहाँ आएगा। ठीक है, अगर मायापुरी डालोगे तो अंदर जाओगे। ठीक है, वहाँ पे भी नॉन वेज मिलता है? वहाँ पे नॉन वेज मिलता है, वेज भी मिलता है। ठीक है, वो पुराना अड्डा था, वहाँ पर मैंने वेज चालू कर दिया, सामने दुकान ले रखी है। ठीक है, उसके अंदर नॉन वेज है। ठीक है जी। तो प्रीतम मीट वाला अगर आप डालोगे ना हरिनगर, तो आप पहुँचोगे यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं। अगर आप डालोगे मायापुरी तो इनकी पहुँचोगे दूसरी दुकान में, जहाँ पे अंदर इन्होंने खोल रखी है मायापुरी के अंदर अपना, वो पुरानी 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 वो पुरानी शॉप है, वहाँ पे आपको वेज सब कुछ मिलेगा, सारी की सारी चीज़ें मिलेगी। तो सर अब क्या क्या स्पेशल है अपना जो आप चाहेंगे हम टेस्ट करें? यहाँ अभी मेरे पास कीमा कलेजी है, मटन है, चिकन है। तो 3 ब्रांड में लगाओ, बर्रा भी लगा दो एक। ठीक है, तो भाई ये थे प्रीतम मीट वाले के ऑनर, अब अपनी आइटम्स लगवाते हैं यहाँ पे, टेबल तक पहुँचाते हैं और आप लोगों को टेस्ट करके बताते हैं। तो भाई ये बनने जा रहा है हमारा कीमा मीट, ये बना के रहते हैं यहाँ पे पैन में, थोड़ा सा गर्म करते हैं, सारा का सारा ऑलरेडी बना होता है, सुबह बन जाता है ये। तो भाई ये हमारा मटन बन के तैयार हो गया। तो ये गरम होगी हमारी अब कीमा कलेजी। ये हाफ प्लेट है भैया, क्या प्राइस है इसका? ये सेम है, 220। 220 का हाफ प्लेट। यार शक्ल देखो कीमे की, क्या जबरदस्त है, मोटा मोटा कीमा कुटा हुआ है और कलेजी के पीस देखो कितने शानदार लग रहे हैं, काफी अच्छा कीमा डाल रखा है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो भाई एक यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर हमें मिल गए थे जिन्होंने हमें देखा और हमें रोक के बोला कि भाई इनका जो टीमा मीट होता है ना बहुत बढ़िया होता है। सर क्या नाम है आपका सबसे पहले बताएं? मेरा सत्य नाम है सर। सत्य जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खाना बदोश में। तो सर यहाँ पे रेगुलर आते हैं? रेगुलर आते हैं। कैसा खाना है यहाँ का? खाना बहुत टेस्टी है सर। खाना बहुत टेस्टी है, बढ़िया मजा आया था। अच्छा हमारी वीडियो कैसी लगती है? आपकी वीडियो भाई सर एक नंबर की वीडियो। आप जो भी बनाते हो वीडियो जेन्युइन बनाते हो और जो अच्छी क्वालिटी होती है उसकी ज़्यादा बनाते हो, तो मुझे बहुत खुशी होती है। आप उसकी जो बनाते हो ना उससे मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ जहाँ आपने वीडियो बनाई है वहाँ वहाँ मैंने आपको देखा हुआ है। बहुत अच्छा आपका हिसाब किताब है बनाने का, वीडियो में बनाने का। जहाँ भी खिलाते हैं लोग बहुत अच्छा खिलाते हैं। और आपकी सबसे बड़ी खासियत ये है जो अच्छी क्वालिटी होती है उसकी वीडियो लेते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी और वीडियो की मैंने देखा है नहीं बनाते हो आप, जैसे अभी आज़ाद मार्केट का बनाया था आपने जी जी सरदार जी का, तो उनका भी मैं गया था खाने, बहुत अच्छा टेस्ट था। तो आप हमारी वीडियो देख के गए थे? देख के गया था सर। ओके थैंक यू। वीडियो देख के गया था, मुझे बहुत मजा आ गया। और आपका जो नेचर है नेचर वाइज बहुत अच्छे है सर। तो धन्यवाद सर बहुत बहुत ऐसे प्यार देने के लिए। आगे भी ऐसा प्यार दिखाते रहना, हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे, आपके मुंह में पानी भी लाते रहेंगे। ओके थैंक यू। थैंक यू धन्यवाद सर। तो भाई ये बन रही है हमारी चिकन करी। भैया ये हाफ प्लेट, ये भी हाफ प्लेट, ये क्वार्टर होती है। ये क्वार्टर होती है, क्या कॉस्ट करती है ये? इसके 200 है। 200 और कितने पीसीज आते हैं इसमें? 3 पीस आते हैं। 3 पीस आते हैं। तो भाई ये चिकन करी है, चिकन करी की शक्ल देखो कितनी बढ़िया लग रही है। तो भाई जो भी आइटम्स हमने लगवाई थी ना हमारी टेबल पे आ गई है, एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं हमने क्या क्या लगवाया। ये लगवाई है हमने इनकी चिकन करी, ये क्वार्टर चिकन करी है, इसमें 3 पीस होते हैं। ये कॉस्ट करती है 200 रुपए की। ये देखो भाई, ये देखो इनकी चिकन करी। नेक्स्ट आइटम पे आते हैं अपनी, ये इनकी कीमा कलेजी। ये रोगन देख रहे हो ऊपर भैया, ये देख कर तो मेरे मुंह में बड़ा पानी आ रहा है। बिल्कुल मेरे मतलब की बनी हुई है, बिल्कुल रिश्ती मिसी कहते हैं इसको, ड्राई ड्राई, ज़्यादा पतली तरी नहीं है। ये कॉस्ट करती है 220 रुपए की। ये आ जाओ जी इनका, ये कीमे वाला मीट, ये देखो जी कीमे की ग्रेवी है। और ये अच्छा आपका पीस, ये क्या कॉस्ट करती है दीपक? ये भी 220 रुपए की कॉस्ट करती है, ये भी हाफ प्लेट है। और कीमा कलेजी भी 220 रुपए की हाफ प्लेट है। ये आ जाओ जी इनकी, ये स्पेशल आइटम जो इन्होंने रिसेंटली स्टार्ट करी है, ये इनका मटन बर्रा, जिसमें ये सिर्फ लहसुन प्याज का पेस्ट लगता है और ऊपर से मसाला, कोई ऑयल नहीं कोई कुछ नहीं। और ये मिलता है केजी के हिसाब से, ये हमने लगवाया यहाँ पे 250 ग्राम की कॉस्ट करती है 300 रुपए, और केजी की कॉस्ट करती है 1200 रुपए। और ये इनकी चटनी प्याज है, चटनी इनकी काफ़ी बड़ी है, ये मैंने पहली बार चटनी देखी है, टमाटर प्याज की चटनी है ये। ये देखो जी, तो शुरू करते हैं, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इनके बर्रे से। बर्रे से ये देखो भाई, ये इनके बर्रे में चाप का पीस। ये देखो यार जूस देखो कैसे निकल रहा है इसमें, ये देखो कैसे जूस निकल रहा है इसमें, ये देखो। कोई एडिड मसाला वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें, जैसा कि यतिन ने आपको बताया कि इस पर सिर्फ जिंजर गार्लिक की पेस्ट होती है, बिल्कुल, और कुछ भी नहीं होता, गरम बहुत है पकड़ा भी नहीं, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं है इसमें। ये देखो यार स्नैक्स में बहुत बढ़िया आइटम है ये। टेस्ट काफी अच्छा है, थोड़ा सा चुई है। चाट मसाला ऊपर डला हुआ है, अपने ही फैट में पका हुआ है। भाई अब आते हैं अपनी सेकंड आइटम पे, ट्राई करते हैं ये कीमा कलेजी जो है इनकी। देखो पहले देखो मैं आपको कलेजी के पीस, देखो कितने बड़े बड़े हैं यार। ये देखो भाई ये दिख रहे होंगे आपको, ये सारी की सारी जो ग्रेवी है ना ये कीमे की है। तो ये ट्राई करते हैं। हम खाली कीमा कीमा ट्राई करेंगे, कलेजी के बारे में दीपक बताएगा आपको।
भाई बात करें ना कलेजी की, कलेजी काफ़ी सॉफ्ट है और जो कीमे के चंक्स हैं ना काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, और कीमे का जो कूट रखा है ना इन्होंने वो काफ़ी मोटा कीमा कूट रखा है, मुँह में जाती ना पता चल रहा है कि हम कीमा कलेजी खा रहे हैं, काफ़ी बढ़िया टेस्ट है। हल्का सा मसाला थोड़ा मिर्च थोड़ी सी तेज है, बाकी उसमें डले हुए मसाले थोड़ा सा स्पाइसी है, थोड़ा सा स्पाइसी है, स्पाइसी खाने वालों के लिए तो मज़ेदार है भाई, लेकिन ये बिल्कुल जैसे मैं खाता हूँ बिल्कुल ड्राई आइटम में रिस्सा मिस्सा मेरे बिल्कुल मेरे हिसाब से बना हुआ है बिल्कुल ये भाई। ये आप स्नैक्स में भी यूज़ कर सकते हो और खाने में भी यूज़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया बना हुआ है। भाई कीमा कलेजी के बाद ना मैं तो ट्राई करूँगा इनका ये चिकन करी, मैं करूँगा इनकी ये कीमे वाला मीट। ये देखो भाई 3 पीस मिले हैं हमें, 1, 2 और ये 3, ये साथ में ग्रेवी है, इसको ट्राई करते हैं। ये चिकन देखो हाथ लगाया गया, इसका मतलब चिकन काफ़ी अच्छे से इन्होंने कुक कर रखा है। ये लगाई ऊपर से ग्रेवी, ये मैं आ जाता हूँ इनके कीमे वाले मटन पे, एक चीज़ ढो लेते हैं, ये आ गया जी, ये तो खैर मटन हाथ लगाते गया, कलर देख रहे हो मटन का कितना पिंकिश है, इसको तो ऐसे ही खा लेते हैं पहले। बहुत ही ज़बरदस्त पका हुआ है यार। भाई बात करेंगे चिकन करी की, जो बात करें ना थोड़ा सा इनके पास जो मसाले ना थोड़े से हाइयर साइड में, थोड़ा स्पाइसी है जो कि पंजाबी लोगों को ना काफ़ी पसंद आएगा, और चिकन जो है ना वो वेल कुक हो रखा है, बहुत अच्छे से इन्होंने पका रखा है, हाथ लगाया गल रहा है, मुंह में जाते ही एकदम से घुल रहा है पूरा का पूरा, बहुत ही यार बढ़िया टेस्ट है इसका कीमे वाले मीट का। इसको तो भैया मैं इसे मेरा मुंह बंद करा दिया, क्या ज़बरदस्त इन्होंने बनाया हुआ है, क्या इसमें मसाले डले हैं जैसे दीपक कह रहा है, थोड़े से स्पाइसेस ज़्यादा यूज़ करते हैं पंजाबी स्टाइल, बिल्कुल बिल्कुल प्योर पंजाबी स्टाइल मटन, और इनका कीमा मीट खाया, चिकन मैंने भी ट्राई नहीं किया, और चटनी तो इनकी सोने पर सुहागा वाला काम कर रही है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है इनकी तीनों आइटमों का जो मैंने खाई है अभी तक, चौथी आइटम में भी ट्राई करूँगा। अच्छा यदि तेरे को पता है सारी की सारी जो इनके आइटमें हैं ना ये तांबे के बर्तन में बनाते हैं, कॉपर में और पीतल में बना रहे हैं, उससे एक अलग ही फ्लेवर निकल कर आता है। जैसे ये पंजाब में हम गए थे अमृतसर में, टोटली चीज़ें उसी में बन रही थी, और वही इन्होंने इस चीज़ को फॉलो कर रखा। तो भाई जब तक हम अपने फूड इन्जॉय कर रहे हैं ना, हमारे सिनेमेटिक्स इन्जॉय करो, ये ख़त्म करने के बाद आप लोगों को दोबारा मिलते हैं, जाना कहीं नहीं है। अभी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भाई लंच हो गया हमारा बढ़िया था, और बात करें इनके जो कीमा मीट था ना, कीमा मीट वाकई में लाजवाब था, बहुत बढ़िया कीमा मीट था यार, सिंग इज किंग वाला काम कर रहे थे सरदार जी, बिल्कुल जैसा सुना था वैसा पाया, उससे ज़्यादा ही पाया, कीमा मीट बहुत बढ़िया, कीमा कलेजी का तो कोई जवाब नहीं, बिल्कुल भाई साहब गाड़ी गाड़ी ऐसे होते ना रिच, बिल्कुल कीमा 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 प्योर कीमे की ग्रेवी थी, प्योर कीमे की ग्रेवी, उसके अंदर जो कलेजी थी ना कलेजी काफ़ी सॉफ्ट थी, भुना हुआ मटन भी को यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास भून के खिला रहे हैं, फर्स्ट क्लास उबला हुआ नहीं, कई जगह उबालते हैं पहले मटन को फिर यूज़ करते हैं बनाते हैं, इन्होंने पूरा उसको भुना हुआ पहले, उसके बाद ये इन्होंने बनाया और हमें खिलाया इस मटन को। और चिकन करी की भी बात करें ना, चिकन करी भी ना नो डाउट बहुत बढ़िया थी, मतलब थोड़े से स्पाइसी ज़्यादा थे कि जो तीखा खाने वाले हैं ना उनको काफ़ी पसंद आने वाला, बिल्कुल वो कहते हैं पंजाबी लोग जो होते हैं थोड़ा सा तीखा ही खाते हैं, बिल्कुल वही स्टाइल इन्होंने चला रखा है, वही स्टाइल को बना रहे हैं, और जैसे पंजाब में तांबे के बर्तन में बनता है ना करारा होता है ना, जो एकदम करारा स्वाद होता है वो स्वाद था, और वाकई में सब कुछ बहुत बढ़िया था। एक आइटम इन्होंने अभी रिसेंटली स्टार्ट करी है तंदूरी मटन, मटन बर्रा जिसे कहते हैं, बहुत ही बढ़िया है यार, बहुत ही बढ़िया चीज़ खिला रहे हैं। चटनी का तो भैया इनका कोई जवाब ही नहीं है, ऐसी चटनी मैंने कहीं कहीं भी दिल्ली शहर में नहीं खाई भाई, बहुत बढ़िया तरीके की चटनी है, बिल्कुल ऐसे सब्जी सी रखी हुई है। क्यों दीपक मटन बर्रा की अगर हम बात करें ना, तो जो ये मटन बर्रा खिला रहे हैं ना उसमें कोई ऐड ऑन मसाले नहीं है, सिर्फ लहसुन की पेस्ट है, लहसुन प्याज की पेस्ट है, सारी की सारी ऊपर लगी हुई, चर्बी को ना हटाते नहीं है, उसी से पक रहा है वो सारा का सारा पक रहा है, और वही टेस्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया उसका फ्लेवर आ रहा है, मतलब स्नैक्स में ना एक हेवन है वो, बिल्कुल मटन लवर के लिए ना एक हेवन है भाई। यहाँ पे आ जाओ अपना प्रीतम मीट वाले पे, ये लोकेशन हमने आप लोगों को बताई दी है, तो यहाँ पे आओ अपना अपना मील इन्जॉय करो, स्विगी जोमेटो दोनों पे अवेलेबल है, सुबह 11 बजे ये ढाबा खुलता है, रेट भी इकोनॉमिकल है, क्वांटिटी भी बहुत बढ़िया दे रहे हैं, हाँ रेट भी बिल्कुल इकोनॉमिकल है, ऐसा नहीं है कि प्राइस जो है हाइयर साइड पे है भाई, सिंपल सा ढाबा बना पड़ा है, खाना सच में बहुत बढ़िया है, मतलब एक फ्लेवरफुल खाना होता है ना वो है, प्राइसेस भी इकोनॉमिकल है,
तो भाई आज की वीडियो में इतना, होप करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो यकीन क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके हमें जरूर बताना आपको हमारी दिखाई वीडियो कैसी लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।